जी आदर्श, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी अपडेट की पशुपति पारस कुछ बोलने जा रहे हैं जी। आप वो कुछ बोलना चाहते हैं, एक बयान देने जा रहे हैं, पहले मैं वो उसको सुनाता हूँ। ये जो कल का फैसला हुआ है ये मजबूरी का फैसला है। हम पासवान जी के छोटे भाई हैं, हम तीन भाई थे, तीनों भाई में हम लोगों का अटूट प्यार था। ये दुनिया जानती है, कम से कम देश के लोग जानते हैं कि महाभारत भी हमारे तीनों भाई के प्रेम के सामने में खेल था। वो 28 नवंबर 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी का माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा गठन हुआ और तकरीबन 21 वर्ष पार्टी का गठन हुआ, 21 वर्ष का उम्र हुआ और बहुत अच्छे ढंग से पार्टी चल रही थी, कहीं कोई शिकवास शिकायत नहीं था। मेरा दुर्भाग्य कहिए कि हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। क्योंकि स्वर्गीय पासवान जी की अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया और उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहें, उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है वो पार्टी बिखर रही थी, कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारे पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। अब गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा, किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे, इसके जिसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं, 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब, दलित, शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहें, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, मुझको चिराग पासवान जी से कोई शिकवास शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसको चिराग पासवान जी आवे रहें। और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज़ होकर हमारे पार्टी से चले गए हैं, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। आप लोग चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखेंगे? चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को वो एक आदमी बोलिए तो हम जवाब देंगे। स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 5 सांसद हम लोग
स्वास्थ्य शरीर जा करके उपस्थित होकर मैंने उनको कागज दे दिया। जब अब वो ऑर्डर देंगे बुलाएंगे तब जाएंगे। तो पार्टी के अध्यक्ष भी हाजिर रहेंगे कि लोकसभा में? वो तो भविष्य की बात है। पहले तो लोकसभा में सदन का नेता तो बनने दीजिए, उसके बाद की बात होगी। गलत बात है, नहीं भाई 100% गलत है। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को चुनौती को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूँगा, गठबंधन धर्म का पालन करूँगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में आप पूरी बातें वो रख रहे थे सामने। हालांकि बहुत खुलकर नहीं बोले, लेकिन जो कुछ बोले उसमें कई आरोप वो लगा गए कि असामाजिक तत्व हमारी पार्टी के भीतर आ गए हैं, जिन्होंने पार्टी का जो गठबंधन था उसको तोड़ दिया, किसी से दोस्ती किसी से प्यार की नीति अपनाई। ये तमाम चीजें हैं। 6 सांसद थे जिनमें से 5 सांसद हमेशा चाहते थे कि कभी भी गठबंधन टूटे ना। नीतीश कुमार को मैं बहुत अच्छा लीडर मानता हूं, विकास पुरुष मानता हूं और एनडीए में ही हमारी पार्टी को रहना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। और ये तमाम बातें कहकर वो आरोप लगाते रहे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर से 5 सांसदों ने मिलकर बाकायदा उन्हें पत्र दे दिया है। प्रशांत, असामाजिक तत्वों ने गठबंधन तोड़ दिया, किसी से दोस्ती किसी से प्यार, इशारा साफ तौर पर कहां था ये? जी देखिए, बिल्कुल आदर्श, ये हम लोगों ने पूछना चाहा उनसे, लेकिन ये एक बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कि असामाजिक तत्व घुसा है पार्टी के भीतर और उन्होंने जो गठबंधन तोड़ा बिहार में वो ठीक, वो गठबंधन तो टूटा ही लेकिन उसका पूरी जो प्रक्रिया थी उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। तो एक बड़ा आरोप लगाकर पशुपति पारस गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चिराग पासवान जिस तरह से पार्टी चला रहे थे उससे सभी लोग नाराज़ थे और वो जिस तरह से रामविलास पासवान पार्टी चलाते थे उस तरह से पार्टी चलाना चाहते हैं। कई चीज़ें उन्होंने इन चीज़ों का जवाब नहीं दिया कि आखिर चुनाव आयोग को वो पत्र लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष अभी भी चिराग पासवान है। हालांकि उन्होंने इशारों में ज़रूर कहा कि चिराग पासवान, पहले उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अध्यक्ष थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी भी वही अध्यक्ष है। जाहिर तौर पर अब ये जो केवल संसद तक ये बात सीमित नहीं रहेगी आदर्श, जब उन्होंने संसद में अब नेता पशुपति पारस होंगे ऐसा उन्होंने पत्र लिखा है स्पीकर को, और अब वो दावा पार्टी पर करेंगे और इसलिए चुनाव आयोग जाने की खबरें हैं। 1:30 बजे इनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन चुनाव आयोग को दिया जाएगा, जो बागी सांसद हैं उनकी तरफ से, कि पार्टी जो लोजपा है वो असल लोजपा अब यही है, लिहाजा इनको मान्यता दी जाए और पार्टी अब उनकी है। तो निश्चित तौर पर कई तरह के आरोप लगाए उन्होंने, कहा कि पार्टी ठीक से नहीं चला रहे थे चिराग पासवान, कुछ असामाजिक तत्व पार्टी में घुसा है, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया कि कौन लोग किन लोगों की ओर उनका इशारा है। जो विकास भी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है, निधि पटना से मौजूद है, एक बार निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, लगातार बिहार की राजनीति के लिए भी ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और नजर जाहिर से बात है जिस जीडीयू की वो कर रहे हैं, नीतीश कुमार को विकास पुरुष बता रहे हैं, उन लोगों की भी लगी होगी इस पर कि आखिर ये घटनाक्रम हो क्या रहा है। इनसाइड स्टोरी है कि अंदर खाने वहां चल क्या रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है पशुपति पारस ने उससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं वो लीड और कंट्रोल करने की कोशिश जो उनकी, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान चाहे तो पार्टी में रह सकते हैं, मतलब ऑफर दिया गया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि थोड़ा पीछे चलते हैं, जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था उससे ठीक 6-7 महीने पहले से ही लगातार जो है वो चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, और जब चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, तो उस वक्त आनन फानन में उन्होंने टिकट का बंटवारा कर दिया। हालांकि लंबे वक्त से वो नाराज थे, लेकिन जो टिकट का बंटवारा हुआ उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से नीतीश कुमार यानी जेडीयू को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये जो है इसको देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो जेडीयू जो है वो लंबे वक्त से सुलग रही थी और अब जो है उसका नतीजा सामने आया है। लेकिन आप एक और बात महसूस करने की है कि जो कहा जा रहा है कि जेडीयू की जो लगभग 40 से ज्यादा सीटों पर चिराग पासवान यानी एलजेपी की वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ, तो ये एक बड़ी जो है बड़ा आधार जो है वो माना जा रहा था। दूसरी बात, पशुपति पारस जो है वो बिहार के वो रहे, क्या संयोजक रहे हैं एलजेपी के, यानी कि बिहार में
जो संगठन है एलजेपी का वो मजबूत रहा है उनका, तो ऐसे में पशुपति पारस जो है वो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये होगी कि पार्टी के अंदर जो है वो अपना अधिकार जमाने की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी स्पष्ट हो गया है, तो ये लंबे वक्त से जो है वो जी आप रुकिए प्रशांत का रुक सर, ये कैसा सवाल आपने पूछा है, कोई बागी सांसद नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से पारस जी के नेतृत्व में एकजुट है, रामविलास पासवान ने जो पार्टी को सजाया था, सवारा था, बनाया था, तो जिस तरह चिराग पासवान जी की कार्यशैली थी, सारे लोग देश के नाराज थे, सारे देश में जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं सभी लोग पारस जी को पूरा दबाव था कि पार्टी बिखर रही है, पार्टी टूट रही है, पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से पारस जी को सभी सांसदों ने अपना नेता चुना है, सदन में नेता होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम लोग चाहेंगे कि पारस जी हों लोजपा का। चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैं, पारस जी ने कहा कि अभी हैं लेकिन निश्चित रूप से पारस जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब आगे देखिए, सारे लोगों ने अभी सारे देश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, सारे नेता हैं, सब लोग की बैठक होगी और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। क्या जेडीयू में जाएंगे आप लोग? नहीं, लोजपा का अस्तित्व बरकरार रहेगा। रामविलास पासवान ने जो पार्टी को सजाया था 50 वर्षों के संसदीय जीवन में, 21 वर्ष हो गया लोजपा के गठन का, पार्टी पूरे देश में एक ताकत है, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी कहीं किसी के साथ नहीं जाएगी, लोजपा का अस्तित्व पहले से बरकरार है। तो आपने देखा लोजपा के प्रवक्ता हैं ये श्रवण कुमार, जो पशुपति पारस के साथ है, उनका कहना है कि जिस तरह से चिराग पासवान पार्टी चला रहे थे उससे नाराज थे पार्टी के लोग, और ये बिल्कुल इनका साफ कहना है कि जेडीयू में जाने का सवाल नहीं है। लोजपा के जो सांसद हैं जिन्होंने लिख के दिया स्पीकर को, उनका अपना अस्तित्व एलजेपी के तौर पर बना रहेगा। ठीक है, आप रहे प्रशांत, विकास, निधि, तीनों हमारे साथ बने हुए, बड़ा अपडेट हो रहा है और लगातार प्रशांत आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।